नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको मैं लेके आया हूं, आज आरके आश्रम मार्ग यहां एनपी प्राइमरी विद्यालय भी है। जी हां, एनपी प्राइमरी विद्यालय पर कुछ सफाई कर्मी उपलब्ध मिले। जैसे ही पता चला रवि जौहरी को, दलित शोषित न्याय मंच के प्रमुख रवि जौहरी को, वैसे ही उन्होंने कुछ सैनिटाइज के आइटम लेकर के सफाई कर्मियों में देने के लिए पहुँचे। वहीं जैसे ही उनका तूफानी दौरा यानी रवि जौहरी का आना, खाने से लेकर के और सैनिटाइज के आइटम लेकर के लोग वहाँ पहुँचे। उनके जाने का मकसद ही था कि पहुँचते ही उनके बीच में बांटने वाले लोगों की तादाद लग गई। वहीं पे जहाँ सफाई कर्मियों के ऑफिसर भी थे, वहीं आरडब्ल्यू के कई प्रधान और कई नेतागण भी उपस्थित मिले। जैसा कि वहाँ पर खाने का वितरण भी हो रहा था, वहाँ पे जैसे ही रवि जौहरी जी का पहुँचना था, रवि जौहरी को देखते ही जैसे समाज सेवियों का एक समूह सा उमड़ पड़ा। और जो एक जज्बा देखने को मिला कि हर गली हर मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ करके देखा जा रहा था कि कहाँ पे कौन आदमी ज़रूरतमंद है, कुछ ऐसे छूट न जाए। जिनको ढूंढते हुए ये आरके आश्रम मार्ग पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद के पास भी गए और वहाँ मस्जिद पे लोगों को जाके खाना खिलाया। जी हाँ, उनके साथ जुड़ने में आज कई समाज सेवियों के साथ कुछ संत स्वामी भी मिले, जिसमें पंकज प्रणा दास भी उपस्थित थे। वहीं पे आरडब्ल्यू के नेता भी थे और सफाई कर्मियों के ऑफिसर यानी उपाध्याय जी भी थे, और वहाँ पे उनके दलित शोषित न्याय मंच के तमाम कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं वो किस तरीके से सैनिटाइज के आइटम बांट रहे हैं और अपने से हाथ से दे दे करके एक एक दूसरे को देते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रवि जौहरी का ये तूफानी मदद योजना कही जा रही है। जैसे ही पता चलता है NDMC की एरिया, कालीबाड़ी की एरिया में, गोल मार्केट की एरिया में, आर के आश्रम मार्ग की एरिया में, वहाँ जैसे ही पता चलता है वो अपने तूफानी मदद योजना के तहत वहाँ पहुँच जाते हैं। और रवि जौहरी का पहुँचना ही क्या कि समाज सेवियों का आना जाना वहाँ लग जाता है, एक तांता सा लग जाता है। आप देख सकते हैं पंकज प्रणा दास को और उनके टीम को, और आप देख सकते हैं उनके साथ कितने लोग इस समय उपस्थित हैं। ये है आरके आश्रम मार्ग, जहाँ पे कुछ गरीब तबके के लोग, ज़रूरतमंद लोग पड़े हुए थे जिन्हें भोजन की आवश्यकता थी। जैसे टीम को पता चला, वहाँ पहुँच करके भोजन वितरण होने लगा। आप देख सकते हैं आरके आश्रम मार्ग पर। तो वहीं पे मैं जानना चाहूँगा कुछ इन समाज सेवियों के बीच में कौन कौन से लोग आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इसमें जानना चाहूँगा कि क्या क्या बंटा है और कैसे इन योजनाओं को लेकर के लोग आपके बीच में आए हैं। तो इस बीच में हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे रवि जौहरी, दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो कुछ क्या कहना चाहेंगे। आइए हम सुनते हैं रवि जौहरी जी से। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे। समझता हूँ कि इस कोरोना के चलते जो मैंने अपने सफाई कर्मी भाइयों का, बहनों का, जो मैंने आकर जो हौसला अफजाई की, जो मनोबल बढ़ाया, और मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज जिस हिसाब से इनको, जिस तरीके से बहुत ही सम्मान इनको दे रहा है, देश की सरकार भी इनको सम्मान दे रही है, देश का पूरा प्रशासन, पूरी जनता इनको सम्मान की दृष्टि से देख रही है। तो मैंने आज केवल केवल और केवल इनका हौसला अफजाई करने के लिए छोटा सा प्रयास किया है, और मैं तहे दिल से इन लोगों की जिंदाबाद करता हूँ। और ये जिंदाबाद के लिए योग्य हैं, और कहीं भी किसी इंकलाबी के मुकाबले आज इन्हें कम ना आका जाए। ये कोरोना योद्धा है जो एक स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी के बराबर डटकर इस कोरोना का मुकाबला कर रहा है। मैं तहे दिल से इन्हें बधाई देता हूँ और इन दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इनका तालियों से स्वागत करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय रवि जौहरी जी ने जो हमारे सफाई कर्मचारियों का आज साबुन वितरण का और खाने का जो वितरण कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो सफाई कर्मचारियों का खास ध्यान रखने जा रहे हैं। और इससे हमें ये लगता है कि हमारा भी कोई अपना है। रवि जौहरी जी एक अच्छे नेता है, अच्छे वक्ता है, और अपने वाल्मीकि समाज के लोगों का अपनापन लगता है, और वाल्मीकि समाज के लोगों का खासकर ध्यान रखते हैं, अपने लोगों का अपनापन लगता है। नरेंद्र कुमार टाक, RW एडवाइज़र, राजेश राणा जो हमारे RW के प्रधान हैं,
उनके माध्यम से हमारे जो अनुराग उपाध्याय जी है, हमारे जो एएसआई है, इनकी मेहनत और इनका जो सफाई का निरीक्षण है सबसे बेस्ट है। और भाई हमारे युवा नेता जो हैं रवि जौहरी जी, इनकी जो अध्यक्षता में आज ये सफाई कर्मचारियों का जो सहयोग दिया है, ये बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये यही नहीं, पूरे सर्कल 14 में इन्होंने जो हेल्थ वालों को इन्होंने जो ये वितरण किया है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके सहयोग और माध्यम से सफाई कर्मचारी का जो मनोबल बढ़ाया है रवि भाई ने, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अनुराग उपाध्याय है, मैं सहायक स्वच्छता निरीक्षक के नाते NDMC की तरफ से यहाँ आर के आश्रम मार्ग में तैनात हूँ। और ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि कई बार ये अपने जितना इनके अंदर ताकत है उससे भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारे अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे चेयरमैन साहब ने हमें एक संदेश हमें दिया था कि हमें पूरी मेहनत से ये जो कोरोना की आपातकालीन ऐसा संकट आया है इससे जूझने के लिए हमें खड़े हो जाना है, और हमारे सारे सफाई कर्मचारी और हम सब अच्छे से लगे हुए हैं और कार्य करा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी कहना चाहूँगा कि आजकल कुछ लोग अफवाह और घबराहट की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये संदेश है कि आप घबराएं नहीं, हमारे कर्मचारी हम लगे हुए हैं, एरिया सैनिटाइज करा रहे हैं। यहाँ जब मैं सैनिटाइज कह रहा हूँ तो मेरा आशय यह है कि स्वच्छता, सैनिटाइज मीन स्वच्छता, सफाई, हमारे कर्मचारी साफ सफाई भी कर रहे हैं और हम सैनिटाइज भी करा रहे हैं हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से। सरकार वितरण तो कर रही है लेकिन दिख पा नहीं रहा कि कहाँ वितरण हो रहा है, और सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है या बांटने वाली प्रणाली ठीक नहीं है जिससे वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए आप लोगों को आना पड़ रहा है। हम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, काफ़ी सालों से बांट ही रहे हैं, तो जो संस्थाएं परफेक्ट बांटने में होती तो वो और अच्छी तरह से कर पाती विपत्ता में। सर लेकिन मैंने देखा कि अक्षय पात्रा की गाड़ियां भी स्कूलों पर जो है कि खाने भिजवाती रहती है। हमारी इस्कॉन की गाड़ी रोज 6 लाख लोगों को खाना बांट रही है, अक्षय पात्र भी कई लाखों लोगों को खाना बांट रहा है, और जी हमारा गोड़िया मठ भी कई हज़ारों लोगों को खाना रोज़ बांट रहा है। हमारा जनकपुर में मंदिर है राधा रमण गोड़िया मठ, उधर भी रोज़ खाना बांट रहा है कई हज़ार लोगों का। पहाड़गंज वाला जो हमारा सेंटर है इधर भी बांट रहा है, और अन्य अन्य जगह जहाँ शाखा है वहाँ पर भी रोज़ खाना बांटा जा रहा है गोड़िया मठ द्वारा। ये खुशी की बात है कि स्वामी जी ने लोगों की वास्तविक पीड़ा को समझते हुए, वास्तविक भूख प्यास का ख्याल रखते हुए, अगर ये सेवा भाव स्वामी जी इस सेवा भाव से लोगों को मदद दे रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं निराश्रित लोगों की। और दिल्ली सरकार की बात ये है कि दिल्ली सरकार तो अगर दिल्ली सरकार के मुख से, केजरीवाल साहब के मुख से अगर बड़े बड़े भाषण की बजाय अगर गेहूँ चावल बरसता तो आज दिल्ली की सड़कों पर कोई भूखा नहीं मरता।